Hare Krishna, Radhe Radhe. Hari Bol, Radhe Shyam, Hare Krishna. Hare Krishna, Jai Shri Radhe, Hari Bol. Hare Krishna, Radhe Radhe, Radhe Shyam, Radhe Radhe, brother. Hare Krishna, Hari Bol. तो आज भाई दूज है, सबको पता है. तो मैं हैप्पी भाई दूज टू ऑल माय ब्रदर्स. मैं अपने सारे भाई को, सारे भैया और जितने भी ब्रदर्स हैं सबको अपना प्रणाम निवेदन करती हूँ. और आप सभी लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना कॉन्शियसनेस डेवलप कर सकूँ और मैं कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकूँ, सेवा में अपना मन लगा के रह सकूँ. सो फर्स्टली, आज दिवाली का लास्ट डे है और भाई दूज है, तो सबसे पहले हम भाई दूज क्या है, क्या क्या करना चाहिए, सब सुनेंगे. सो फर्स्टली हम लोग एक भजन से स्टार्ट करेंगे. तो आज मैंने भी भाई दूज सेलिब्रेट किया है, मैं अपने भाई से आप लोगों को मिलाऊंगी. सबसे पहले हम एक भजन से स्टार्ट करेंगे. वंदे कृष्णा नंद कुमार, नंद कुमार नवनीत चोरा. वंदे कृष्णा नंद कुमार नवनीत चोरा. मुनि जन लोभं मोहन रूपं मुरली लोलं मदन गोपालं. वंदे कृष्णा नंद कुमार नवनीत चोरम. मुनिजन लोभं मोहन रूपं मुरली लोलं मदन गोपालं. वेणु विलोलं वेदांत सारं उपात करलं पराग सवलं. वंदे कृष्णानंद कुमार नंद कुमार नवनीत चोरम. जय जय देव हरे, जय जय देव हरे. गोविंद हरि गोपाल हरि, जय राम हरि जय कृष्ण हरि. जय जय देव हरे. वंदे कृष्णानंद कुमारं नंद कुमारं नवनीत चोरम. हरे कृष्णा. तो अब मैंने भी आज भाई दूज सेलिब्रेट किया है अपने घर में. तो सबसे पहले मैं अपने भाई से आप सबको मिलाऊंगी. सो वेट फॉर अ सेकंड. तो ये है मेरा भाई एंड आज हम लोगों ने भाई दूज सेलिब्रेट किया है में. आज हम लोगों ने भाई दूज सेलिब्रेट किया है साथ में. और हरे कृष्णा. सो भाई दूज रक्षाबंधन के साथ सिमिलर होता है. भाई दूज रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई उसका रक्षा करने का वादा करता है रक्षाबंधन के दिन. और भाई दूज के दिन बहन अपने भाई को लाट पे तिलक लगाती है, आरती करती है और उसके मंगल के लिए भगवान के पास मंगल कामना के लिए प्रार्थना करती है. तो भाई दूज नॉर्दर्न इंडिया में बहुत फेमस है, वहाँ पे सब लोग सेलिब्रेट करते हैं. बंगाली में इसको भाई फोटा बोलते हैं और महाराष्ट्र, कोंकणी, गुजरात इन सब में इसको भाऊ बीज भी बोलते हैं.
और हिंदी में भाई दूज बोलते हैं, और इसको भातृद्वितीया या यम द्वितीया भी बोल सकते हैं हम लोग। तो इस दिन क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण नरकासुर नाम एक राक्षस को वध करने के बाद अपनी बहन सुभद्रा महारानी के पास आते हैं, और सुभद्रा महारानी उनको ललाट पे तिलक लगा के आरती करके फिर उनको अच्छा अच्छा भोजन बना के खिलाती है। और इस दिन पे क्या हुआ, यमराज अपने बहन यमुना जी के पास आते हैं। अब सूर्यदेव और छाया उनके दो बच्चे थे, एक यमराज और दूसरा यमुना जी। अब यमुना जी अपने घर पे वेट करती थी यमराज के लिए, उनको इनवाइट करती थी कि तुम आओ मेरे घर पे, मैं तुमको अच्छा भोजन बना के खिलाऊंगी, तुमको सेवा करूंगी, पर यमराज जी को टाइम नहीं मिलता था और वो आते भी नहीं थे। अचानक से एक दिन क्या हुआ, यमुना जी अपने दरवाजे पर गई और वहाँ पर जाके उन्होंने देखा कि वहाँ पे यमराज खड़े थे। तो यमुना जी शॉक्ड हो गए, बिल्कुल चौंक गई कि वहाँ पे मतलब उनके भाई यमराज खड़े थे। तो उन्होंने उनका सेवा किया, उनकी आरती की, उनके ललाट पे तिलक लगाया, उनको अच्छा भोजन बना के खिलाया। तो यमराज जी बहुत प्रसन्न हुए, तो उन्होंने यमुना जी से बोला कि तुम बोलो तुमको क्या वरदान चाहिए। तो यमुना जी ने बोला मुझे एक ही वरदान चाहिए कि हर साल आप इसी दिन मेरे घर पे आओगे और मैं आपकी आरती करूंगी, तिलक लगाऊंगी ललाट पे, और आपको इस दिन को भाई दूज के नाम से जानेंगे हम लोग या यम द्वितीया, और इस दिन पे हम आपको अच्छा भोजन बना के खिलाएंगे। तो यमराज जी राजी हो गए या मान गए। तो ये दृश्य देख के यम लोक में नरक में जितने भी लोग बंदी थे सब लोग मुक्त हो गए, क्योंकि यमराज जी तब बहुत खुश थे। और मुक्त होने के बाद उन्होंने मिल के इकट्ठा होकर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया यम लोक में, जो भाई दूज था यमराज जी के खुशी में। तो ये तीनों लोक में खुशी छाई हुई थी भाई दूज के नाम पे। तो इस दिन पे ऐसा बोला जाता है कि इस दिन पे अगर कोई भाई बहन एक साथ यमुना जी पे स्नान करते हैं तो उनको कभी नरक नहीं जाना पड़ता है वो। और इस दिन पे क्या होता है कि बहन अपने भाई के ललाट पे तिलक लगाती है, आरती करती है, भाई दूज सेलिब्रेट करती है, और करने के बाद ये कामना करती है कि उसके भाई का मंगल हो। और इस दिन पे अगर कोई भाई दूज सेलिब्रेट करता है तो उसको मृत्यु का डर नहीं रहता है, और उसको यमराज जी का डर नहीं रहता है, जो मृत्यु के राजा है उसको मरने का डर नहीं रहता है। तो ठीक उसी तरह मैंने भी आज सेलिब्रेट किया है भाई दूज का फेस्टिवल। तो आज एज भाई दूज है मैंने अपने भाई के लिए फर्स्ट टाइम अपने हाथों से खाना बनाया, भोजन बना के खिलाया उसको फर्स्ट टाइम। मैं मुझे खाना बनाना नहीं आता है, बट फर्स्ट टाइम आज मैंने ट्राई किया। तो आज एक भजन गा के फिर मैं लाइव एंड करूँगी। कृष्णा प्रेममयी राधा, राधा प्रेममया हरे, कृष्णा प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरे। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मामा, कृष्ण शमद्रविणं राधा, राधा द्रविणं हरे। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मामा, कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्राणमयो हरे। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मामा, कृष्ण द्रवमयी राधा, राधा द्रवमयो हरे। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मामा, कृष्ण गृहस्थित राधा, राधा गृहस्थित हरे। जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मामा, कृष्ण चितस्थित राधा, राधा चितस्थित हरे। जीवने निधने नित्यं
राधा कृष्ण गतिर्मामा वृंदावनेश्वरी राधा कृष्ण वृंदावनेश्वर जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मामा नीलांबरी राधा पीतांबर धर हरे जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मामा हरे कृष्णा हैप्पी दूज अगेन टू ऑल माय ब्रदर्स आप सभी लोग मुझे आशीर्वाद कीजिए कि मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस डेवलप कर सकूँ अपना कॉन्शियसनेस डेवलप कर सकूँ सेवा में अपना मन लगा के रह सकूँ और कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सकूँ हरे कृष्णा थैंक यू